हैमस्टर विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, आप डायरेक्ट बाइनेंस पे ले सकते हो, या फिर OKX एक्सचेंज पे ले सकते हो, या फिर बायबिट में ले सकते हो, या फिर वन चेन क्लेम कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। बाकी जिनके पास अनलिमिटेड अकाउंट है वो कैसे विड्रॉ करेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या सही प्रोसेस है जिसमें से आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पिछली बार डॉक्स क्लेम करने टाइम एंड नॉट कॉइन, डॉक्स का तो नॉट कॉइन की टाइम भी तो भाई फिर भी सही था, बट हाँ डॉक्स क्लेम करने टाइम यहाँ पे यूजर्स का जो भी प्रॉब्लम आया था ना कि भाई सोच नहीं पाओगे अनलिमिटेड वाले का, यहाँ पे टोकन ही नहीं मिला, क्लेम हो गया, अकाउंट के अंदर आ गया, विड्रॉ नहीं कर पा रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये गलती करो एंड ये चीज आप फेस करो, तो ध्यान देके वीडियो को देखो एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। बॉस टेलीग्राम का लिंक आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के अंदर मैं हर एक एयरड्रॉप का अपडेट देता हूँ, लाइक यहाँ पे कैटजिन का एयरड्रॉप का अपडेट आया था, मैं आपको हर एक चीज़ का अपडेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, तो आप ज़रूर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिल जाएगा। दो टेलीग्राम लिंक मिलेगा, एक रहेगा एयरड्रॉप, एक रहेगा ऑफिशियल, आप दोनों के अंदर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल मेरे पास दो अकाउंट है हैमस्टर का एंड यहाँ पे दोनों अकाउंट के अंदर मैं विड्रॉ करूँगा एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप चाहो तो डायरेक्ट वॉलेट में ले सकते हो, वॉलेट दो वॉलेट है, एक है यहाँ पे वन चेन क्लेम जो कि टोन एक्सप्रेस बीटा टेलीग्राम का एंड टोन कीपर वॉलेट या फिर अदर्स वॉलेट, वो हो गया वन चेन। सेकेंड है भाई टेलीग्राम वॉलेट, टेलीग्राम वॉलेट मीन्स जो टेलीग्राम एक्सेस कर पाएंगे, टेलीग्राम की कंट्रोल में रहेगा वो होगा टेलीग्राम वॉलेट। वॉलेट में ऊपर क्लिक करोगे फर्स्ट में जो शो करेगा वो टेलीग्राम वॉलेट एंड सेकेंड टोन एक्सप्रेस बीटा में क्लिक करोगे वो हुआ वन चेन वाला वॉलेट, जो कि आप कहीं पर भी उसका बैकअप की देखिए क्लेम एंड विड्रॉल हर एक चीज कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज्यादातर प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम वॉलेट में, तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। एंड एक चीज आपको ये ध्यान पे रखना कि आप यहां पे लाइक एक अकाउंट के अंदर क्या कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो एंड दूसरे अकाउंट के अंदर भेज दे रहे हो टेलीग्राम वॉलेट के अंदर, ये चीज मत करना। दूसरी चीज, एक अकाउंट के अंदर आप बाइनेंस के अंदर विड्रॉ कर रहे हो, दूसरे अकाउंट के अंदर भी सेम अकाउंट यूज मत करना। मतलब मेरे कहने का बात यही है कि आपके पास अगर एक हैमस्टर अकाउंट है तो आप क्या करना, एक एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ कर रहे हो, लाइक आपके पास एक हैमस्टर का अकाउंट है, आप विड्रॉ कर रहे हो बाइनेंस के अंदर, तो अभी वो बाइनेंस के अंदर आप अदर्स हैमस्टर जो क्वाइंस है वो डिपॉजिट मत करना। ये टाइम हुआ था भाई सेम डॉग्स की टाइम, जिन्होंने भी विड्रॉ करा था उनका फ्रीज कर दिया गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले विड्रॉ कैसे करना है वो देख लो, यहाँ पे नीचे पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कॉर्नर में, ईयर ड्रॉप वाला ऑप्शन, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक के बाद नीचे पे आ जाओ, नीचे पे आने के बाद देखो इनकी लिस्टिंग जो कि होने वाले सितंबर 26 को, जो कि आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है नहीं। नीचे पे स्कूल करो, नीचे पे स्कूल करने के बाद आप किस पे विड्रॉ लेना चाहते हो, बाइनेंस पे, ओके एक्सचेंज पे, या फिर बायबिट पे, या फिर EBI एक्सचेंज, इसको तो मैं भाई फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे बाइनेंस पे या फिर ज़्यादातर यूजर्स बायबिट पे लेंगे, क्योंकि इंडिया पे बैन है OKX एक्सचेंज, तो यहाँ पे अगर बाइनेंस पे ले रहे हो तो कैसे लेना है एंड बायबिट पे ले रहे हो कैसे लेना है एंड वॉलेट पे अगर लेना है तो कैसे लेना है वो भी आपको बता दो। सबसे पहले बाइनेंस वाले बता रहा हूँ, आप अगर बाइनेंस पे विड्रॉ करो तो बाइनेंस को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपका बाइनेंस के अंदर KYC हो, या फिर बायबिट पे कर रहे हो तो बायबिट के अंदर KYC हो, सेम प्रोसेस है डिपॉजिट के अंदर मतलब विड्रॉ करने का। तो जैसे ही क्लिक करोगे कुछ स्टेप का इंटरफेस नजर आएगा, आपको पूछा जाएगा आपका हैमस्टर का एड्रेस एंड मेमो डालो। अभी हैमस्टर का एड्रेस एंड मेमो अगर आप बाइनेंस से कर रहे हो तो आप क्या करो, बाइनेंस ओपन करो एंड बाइनेंस ओपन करने के बाद आप यहां पे आ जाओ वॉलेट सेक्शन के अंदर, नीचे पे वॉलेट देखने को मिल रहा है एंड डिपॉजिट के अंदर आ जाओ, डिपॉजिट के अंदर आने के बाद इधर सर्च करो हैमस्टर, हैमस्टर मिल जाएगा, देन यहां पे टोन की सिलेक्ट करके यहां पे आपको मिल जाएगा हैमस्टर का एड्रेस एंड टोन का जो यहां पे मेमो है, हैमस्टर का एड्रेस एंड मेमो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगा। देन यहां पे क्या करो, देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो कर लिया था इसलिए मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, एड्रेस को कॉपी करो इधर डालो, मेमो को कॉपी करो इधर डालो, दोनों चीज़ डाल देना, डालने के बाद नीचे पे सेव एंड चॉइस के ऊपर क्लिक कर देना, देन आपका सक्सेसफुल यहां पे सेव्ड हो जाएगा हैमस्टर के अंदर। बाकी ये चीज ध्यान पे रखना, आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो एक ही बार अभी कर पाओगे, फिलहाल दूसरी बार नहीं कर पाओगे, दूसरी बार सिलेक्ट करने का टाइम आई थिंक बाद में आ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। अभी आप अगर बाइनेंस को सिलेक्ट करके सब कुछ सेव कर दिए तो अभी आप चेंज नहीं कर पाओगे, जब तक हैमस्टर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करा जाता, कि चेंज ऑप्शन आया है तब तक नहीं कर पाओगे, वैसे डॉग्स के अंदर आया था तो हैमस्टर के अंदर भी आएगा, तो सेव
सेम प्रोसेस बाइनेंस में जैसे दिखाया, ओके इसका भी सेम है, बाइबिट का भी सेम है एंड ई एक्सचेंज का भी आई थिंक पता नहीं है, बट हाँ इनका भी सेम हो सकता है। एक्सचेंज विड्रोल सेम है, एक्सचेंज के अंदर जाओ एंड मेक श्योर रखना कि ये तीनों एक्सचेंज के अंदर आपका KYC वेरीफाइड हो, मली यहाँ पे वो चीज़ देख लेना। एंड यहाँ पे उसके बाद नीचे आओ, ये तीनों हो गया, उसके बाद यहाँ पे वॉलेट वाला सेक्शन के अंदर, अगर ये वॉलेट आप कर रहे हो सिलेक्ट, वॉलेट इन टेलीग्राम, ये है वॉलेट इन टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम वॉलेट, एंड ये ऑन चेन वॉलेट मतलब यहाँ पे टोन स्पेस बीटा या फिर टोन कीपर, ये सब जो भी वॉलेट से। तो यहाँ पे अगर आप वॉलेट टेलीग्राम सिलेक्ट कर रहे हो तो वॉलेट टेलीग्राम सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद अपना जो टेलीग्राम वॉलेट है आपका कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाने के बाद आपका सक्सेसफुल डन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे वन चेन ट्रांजेक्शन, वन चेन वाला, अगर वन चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो वन चेन को सिलेक्ट करो, देन वॉलेट को कनेक्ट करो, वॉलेट कनेक्ट जैसे करोगे आपका वन चेन वाला कनेक्ट हो जाएगा, देन आपका वॉलेट एड्रेस इधर शो हो जाएगा। एंड जैसे शो हो जाता है उसके बाद देखो यहाँ पे आप एयरड्रॉप जो वन चेन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सेप्टेम्बर को, यहाँ पे 26 तारीख को जिस दिन लिस्टिंग है उसी दिन यहाँ पे स्टार्ट होगा क्लेमिंग। एंड आप जो एक्सचेंज में विड्रो ले रहे हो वो यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, आप इधर देख सकते हो यहाँ पे जो कि ऑन चेन डिपोजिट एंड हो जाएगा, मतलब आपको 21 तारीख से पहले आपको ये जो भी सेप है ये आपको काम करके रख देना है। एंड बाइनेंस के अंदर कन्फर्मेशन से या फिर डिक्लाइन हो जाता है आपका जो भी सेप कर रहे हो, अगर डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे अगेन कर पाओगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर हैमस्टर में टेलीग्राम वॉलेट सेलेक्ट कर रहे हो तो टेलीग्राम वॉलेट एंड यहाँ पे अदर्स लाइक एक्सचेंज वो सब में है, बट यहाँ पे जो टोन स्पेस बीटा एंड या फिर वन चेन जो वॉलेट्स आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे वो यहाँ पे 26 तारीख को क्लेम होगा। एंड यहाँ पे एक्सचेंज पे जो आप यहाँ पे सेव कर रहे हो डायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर आपका जो भी एलोकेशन है वो आपको मिल जाएगा। जैसे इस अकाउंट के अंदर मैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर नहीं लूंगा, मैंने भाई वॉलेट को सिलेक्ट करा है, देखो यहाँ पे इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट टेलीग्राम वॉलेट एंड एक अकाउंट के अंदर मैंने सिलेक्ट करा है यहाँ पे वन चेन वॉलेट, तो ये मैंने सिलेक्ट करा है। आपके पास एक्सचेंज है तो आप एक्सचेंज कर लेना, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोसेस बता दिया। अब बता रहा हूँ अनलिमिटेड वाले का क्या है, देखो आपके पास मान लो 10 अकाउंट है एंड आपके पास ऑनली दो एक्सचेंज है बाइबिट एंड बाइनेंस एक्सचेंज है, एंड तो आप क्या करो दो अकाउंट विड्रो कर लो बाइबिट एंड बाइनेंस के अंदर, बाकी यहाँ पे 8 अकाउंट क्या करना वो आप ट्राई करना वन चेन वाला सिलेक्ट करने का, भले आपका फी लगेगा, देखो वन चेन क्लेम करने जाओगे तो आपको फी लगेगा टोन का, बट आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर वॉलेट इन टेलीग्राम करते हो सिलेक्ट तो यहाँ पे 90% चांस है आपका डेटेड कर लिया जाएगा अनलिमिटेड में, एंड आपका टेलीग्राम जो अकाउंट है वो आपका टेलीग्राम अकाउंट का वॉलेट वो कर दिया जाएगा अनअवेलेबल, मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा इसको मत करना, क्योंकि भाई मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट वेरीफाइड है तो मैंने सिलेक्ट करा, मैं रिकमेंड आपको करूंगा ये मत करना, बाकी ये एंड ये चीज आप कर लेना तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करता हूं आपको पूरा चीज हैमस्टर का भाई समझ में आ चुका है, बाकी हैमस्टर के अंदर जो भी एक्टिविटी कर रहे हो डेली का भी एक्टिविटी करो, टाइम बहुत कम है, जैसे डेली क्लेम हो गया, उसके बाद डेली साइफर कोड हो गया, डेली कॉम्बो हो गया, मिनी गेम हो गया, ये डेली एक्टिविटी करते रहो, आप यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल सकते हैं एलोकेशन जो भी रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट पर आवर अपना हिसाब से देख लेना एंड कितना की कलेक्ट कर रहे हो ये देख लेना, ये सब एक्टिविटी था, बाकी टास्क के अंदर डेली का आता है वो सब भी आप कर लेना। ओके यही था वीडियो के अंदर, बस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपका प्रॉब्लम होता है कमेंट में कमेंट कर देना एंड यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जो भी अपडेट आएगा टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। ओके थैंक यू गाइस।